जेस भाई, मेरा यहीं से व्लॉग शुरू हो रहा है। नहीं, हुआ चालू चालू तो उस समय भी था। क्या ये क्या हुआ? अबे क्या मतलब सही है देख, सही तो उससे पूछ रहे फेयर हो। लग रहा हूँ भी मैं। अबे तो मैं लाइट, मेरे पास लाइट कम आ रही है ना। नहीं भाई, हम लोग का कलर एक जैसा हो गया है सिमिलर। पता है, तुम उससे गोरा था। हाँ ये और बात ये सही वाली है दाढ़ी काहे रखते हो? भाई, यही थोड़ी के रखते ये हैं। रखो, पूरी नहीं नहीं पूरी पूरी रखो, आती नहीं है या भाई, तो ये रखो या तो इतनी रखो, फ्रेंच कट भाई रखो। पूरी आती नहीं है ना, इसीलिए तो दोस्तों, आज हमारा मीटअप दिन लग रहा हूँ, काम हो हमने चुका इनको भाई। उठा लिया है। देख, अभी चिल्लाक बात कर रहा था, ब्लॉग बन रहा है, तो हाँ काम हो चुका भाई। निराला नगर पहुंचे अभी, तो हमने इनको उठा लिया, अभी यहाँ प्रतीक को आऊंगा एक लेके, दिन के लिए। राठौर को उठा के हम जा रहे हैं लखनऊ। उसना भाई वहाँ आ चुके हैं यहाँ और पे थोड़ा थोड़ा खरीदा मैंने ब्लॉग करने का कुछ। शुरुआत कर रहे हैं। चलो रुको, घुमा ली थी क्या? ये क्या माँ चूद रहा? ये क्या हुआ भाई? ये चला गुस्सा हो क्यों? गया भाई, वो कैमरा देख के गुस्सा हो गया। नहीं लग रहा, एंट्री सही नहीं हुई तो कह रहा रुको दोबारा आ रहे हैं। गंदा हो गया है माता, ये क्या रिकॉर्ड सीन? करना। अरे भाई, अगर हम वीडियो राठौर की डालें तो स्कूटी थ्रू चलान हो जाएगा? फोटो के थ्रू हो जाएगा, समझ रहे हो दोस्तों? हो जाएगा। हम ये बस डाल, ये क्लिप पड़ी गई होगी, देख ही लिया बस होगा। कमेंट में लोगों को टैग करना, यूपीसीएल, यूपी पुलिस, यूपी ट्रैफिक, इन सब लोगों को टैग कर दीजिएगा। बेहतरीन चलान घर पहुंचेगा इनके। अब दूसरी एंट्री मारी से हेलमेट लगा के, लेकिन मोबाइल पे बात करने का भी तो होता है ना चलान। अबे यहाँ लगाओ, यहाँ, अबे अंदर लगवाओ, अबे अबे अंदर लगवाएं यहाँ और लगवा क्या। अबे बारिश आ रही है ना, भीगेगी भी। अभी सर्विस करवाई परसों, अबे गाड़ी बंद हो रही थी अच्छा बार बार। रुको, फिर रुको, फोन करते हैं गुन्नू। यार ये लाट, और यार देख स्मार्ट तो लेकिन लगता है आज भी। स्मार्ट तो लगे। अब इस महक किस चीज की आ रही है बे? बड़े डियो लगा के आया है, वो महक बता रहा भी। मैं बच्चों, अच्छा कुछ नहीं डियो, लगाई नया डियो खरीदी थे राठौर भाई अपना, कह रहा महक आ रही है। नहीं यार कुछ गोबर ओवर किया, चले गोबर किया। तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरा चालान थोड़ी होगा। तुमने हेलमेट कहाँ लगाया है? लगा नीचे लगा। कौन सा ब्लॉग बना रहे जो नीचे हेलमेट लगाए हो? मैं इसी बात से खुश हूँ, उस गंगाधर वाले लुक से ही हूँ जो आज कुछ हूँ। तो आज भी उन छोटे मोटे वोटों के लिए लड़ते हो, मैं 1 से 23 तक जॉर्ज कर्मा। लेकिन अपना कानपुर और लखनऊ इतना वो थोड़ी है, अलग कुछ नहीं। लखनऊ में बस वो चीजें बड़ी है ना, पार्क और ये बार वो, बार काफी सारे हैं वो, क्या कहते हैं, रोडें अच्छी हैं। बाकी बाकी तो कानपुर भी यार बढ़िया ही है, पार्क है, अक्षरधाम बस है। शिवानी के अलावा सब कानपुर को शहरी मानते हैं। ये देखिए सजी, ये लंबा सुट्टा, हेलो, ये रंगबाजी। अरे बाप, देखी इसने यार लंबा, ये देखो ये भूतने जा रहा पक्का। इतने खराब ऐसे अपना आदमी, पता है अपना शरीर बर्बाद करता है। अच्छा ये जो सिगरेट वाले है ना भाई, बहुत एकदम यार भोसड़ी के। मतलब इन लोग के साथ तो रहना ही नहीं चाहिए भाई। नहीं चाहिए। सही बात है यार, सीरियस नहीं। अजीब सी स्मेल आती है उनके पास से। अबे उनके चेहरे पे नूर नहीं होता, नूर नहीं होता, चमक नहीं होती, चमक नहीं होती। ये जितने भी नशेबाज होते हैं ना, इनके चेहरे पे चमक नहीं होती। ग्लो होता है ना जो दिख रहा होगा, देखो हमारे चमक रहा होगा चेहरा, ये सब नहीं भाई। नशे ऐसे क्या करूँ यार करके, नहीं करना चाहिए भाई, नशे वशे नहीं करना चाहिए, मजे करो भाई। बेहतरीन 8 बजे सो जाएंगे हम लोग आज। पता नहीं हो सके, बट बढ़िया मूवी थी यार, एंटरटेनिंग मूवी थी एकदम। वो ताश वाले का मूवी आने वाला, हम लोग इसी के साथ दोस्तों यही बकैती करते करते एंटर हो चुके हैं लखनऊ में। 20-21 मिनट दिखा रहा है उसना भाई की लोकेशन। पहले उसना भाई के पास जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे एंड फिर रेडी होके निकल जाएंगे मीटअप के लिए। अभी ये क्या है, अभी क्या मेन्यू लगा है, पत्थर पे लिखा है चाउमीन बर्गर और ये वो पूरा एकदम दीवार पे। अबे लेकिन यहाँ पे वहाँ भी चले गए जहाँ पानी भर गया था, वाला तैरने चलना है इमाम बाड़ा के पास था ना। हाँ हाँ, तो अबे वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं निकल दी थी। अबे वो तो बहुत गलत हो गया, आप तो सेफ हो गया ना, आप तो वहाँ क्या देखने जाओगे, रोड बारिश हुई लेकिन ऊपर से बारिश में चल देंगे वहाँ, बारिश हुई अगर तो। नहीं आप नहीं करेंगे भाई, पुलिस वालों ने जो, लेकिन कुछ किसी किसी को देख के यार बहुत वो लगा था कि यार ये तो गलत काम है यार, मतलब इतना नहीं करना चाहिए। एक की तो गाड़ी खोल के उसमें उसका बम्पर अंपर किसी हाँ, दूसरी गाड़ी का घुसेड़ दिया, वो बेचारा मतलब अगर लौंडे लौंडे बाइक में जा रहे हैं
तुमने जब पानी उछाल दिया फिर वो लोग भी मस्ती में, अरे भाई क्या कर रहे हो, तो अगर वो लोग मस्ती में है तो नहीं है तो फिर छोड़ नहीं है तो फिर वो तो बहन चोद जो गाड़ी खोल के पानी भर रहे हैं और ये तो दबी उसमें आ गए थे कि अब तो बस मौज करो कुछ भी हो सामने वाला ऐसी तो इसी में जाए। वो तो भाई वो तो मेरी गाड़ी में करते हम तो चढ़ा देते एक आदमी भाई भाई अभी कह रहे भाई कोई ऐसे में कोई पागल होता वहाँ भाई ये ले चढ़ा दी गाड़ी पे चलो तुम्हारी फैमिली बैठी है लेडीज है उसमें अब वो लोग गेट खोल के पानी डाल रहे हैं तुम उस जगह गाड़ी स्लो करोगे मेरी बहन मेरे लिए सबसे ज्यादा वो है मैं तो पेल दूंगा चढ़ा वाला दूंगा भाई ऐसे में फिर आदमी गाड़ी वालों को गाली देगा कि चढ़ा दिया खैर चलो हो गए मजे हो गए पड़े लाठी डंडे पड़े सही उसमें उसमें बता रहे हैं वीडियोस में बता रहे हैं कि आधे से जितने भी थे वो सब बाहर के स्टूडेंट्स ही थे लखनऊ का कोई ऐसा नहीं करता ये सब इतना ऐसा मतलब उसमें बताया जा रहा है क्या पता बाहर दूसरे शहर से आए तो इंसान ही है गला खराब इंसान थे छप तो गए होंगे उनके डंडे जो जो आया होगा ना जो जो वीडियो में जिनके चेहरा जिनके हाँ वही ना जिनका चेहरा अच्छे से दिखा होगा योगी जी ने डंडा तो छाप दिया होगा उनके डंडा तो छपा होगा उनके भाई अब तो नहीं करेंगे अब तो घर में भी ऐसे नहीं डालेंगे वो इतना पहले गए होंगे वो ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। दोस्तों ये है मवैया चौराहा जहाँ हमने बचपन में बहुत खेला कूदा है क्योंकि हमारी यहाँ बहुत खानदान रहता है। ये जुबा केसरी हट जाए पहले फिर दिखाता हूँ मैं अपने खानदान के घर यहाँ पे। यहाँ की मेरी मेमोरीज बहुत अच्छी है पर पता नहीं अब जो लोग लखनऊ से हैं वो लोग समझ जाएंगे ये जगह। और पता नहीं हम ये ब्लॉग में रिकॉर्ड करके हो रहा है पर ऐसे लगा तो कर लिया। अगर हम लोग रैप करते जैसे कौन सा रैप कर रहे थे बेबी हम लोग मुंबई में सोता तू ना मेरा ब्रो था ब्रो ही ना होता तो शो पे क्या होता ऐसे तो हम लोग रैप तो बढ़िया कर लेते थे। और क्या भाई तूने ही तूने तो इसने बोला कि रैप हाँ आवाज तुम बढ़िया कर लेते ये उछल कूद मचा देता जो रैप में होता है तो रैपर बन जाते हैं ना अपन। डिस किस पर डिस कर रहे हैं तुझे सिर्फ इज्जत दिलाई है भाई को दुख है कि इज्जत दिलाई है इज्जत तुम के ना इज्जत तुम शो पे जो थे वो है मेरे कमाल इसकी किस्मत देखो इनकार कर दिया किस्मत भाई घुस घुस थे बंदा काम कर दिया काम जा रहा हूं अबे राठौरी का पिट होता शर्मा जाता है जी भीम निकाल देता है अरे वो फनी हो गया अबे डेली बोलती है मैंने ये उठा लिया वो उठा लिया मेरा ये वाली मसल पेन हो रही है ये नहीं 5 से 7-8 रेप मार लेती बोलती 6-7 रेप तो लड़कियों के लिए इतना ही सही होता है और ये ऐसे भी नहीं मारती ऐसे जल्दी जल्दी धीरे स्लो 5-6 रेप स्टॉप 20 किलो बस इतने ही पैसे दिए थे यार 100 रुपए में इतनी कर पाऊंगा यार इससे ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा मैं तारीफ यार। एक डोला दिखाओ एक बार डोला दिखाओ भाई बन तो रही भाई सब तो बन रही बैग भी अच्छी बनी है डोला मैं दिखाता हूँ आप दिखाना सीधी ऊपर करो ऊपर ऊपर हाँ और हाथ पीछे घुमाओ ये चलो क्या राठौर तुम दिखाओ राठौर तुम भी दिखा दे बे अब क्या जा इधर आओ सामने आओ फ्रेम अच्छा आ रहा है अबे भाई फ्रेम क्या तगड़ा आ रहा है राठौर तुम भी आओ अबे आओ कौन सा यहाँ पे क्लास वो चल रहा है चलो भाई तो क्या वो रिटायर्ड हो तुम भी पहले अरे सही है अबे तुम भी अबे दिखाओ यार क्या चला जा रहा है ना क्या यार टी शर्ट तो उतारो उतार उतार नहीं पाएंगे मुकेश अच्छा तुम दिखाओ मुकेश तुम भी दिखाओ अरे ऐसे ही दिखाओ अच्छा ऐसे ही तुम दिखा लोगे देखना टट्टी ना कर देना इतनी प्रेशर लगाए हो जो इतनी तेज देखा देखो तो पहले उसको कर अभी इसने बना ली फिर इसको कह रहा अभी इसने भी बना ली दोनों अफसोस में कोई बात नहीं वो सब छोड़ो भाई देखो सेक्सी लग रहा हूँ ना मेटअप के लिए रेडी भाई है ना
सही दिख रहा है यार, ले लेते यार बेहतरीन वो ब्लैक वाला। नहीं बे ऐसे बिना चश्मे के थोड़ा ठीक लग रहा है, क्यों सुन लो ना, तुम भी सही लग रहे हो। चलो चलो अबे कैमरे में अच्छा लग रहा भाई, इसका मतलब हम कहीं ना क्या चाहते हैं। इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं दोस्तों बताओ। वो उल्टा क्यों घूमा हुआ, इसका पेट निकल रहा था ना। कैसा लग रहा है देखो यार, मेरे को भी नर्वस तो हो रहा है थोड़ा। नर्वस हो रहा है ना, मेरे को भी नर्वस हो रहा है भाई, मेरे को भी नर्वस हो रहा है। इतने मीटअप करे नहीं है, थर्ड मीटअप है मेरा, मेरा भी आई थर्ड या फोर्थ ऐसा कुछ है। अरे भाई मैं भी तो कमाल ही लग रहा हूँ। कौन से बना रहे हो आप? उधर है मैं अपना सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 6 से। भाई देखो भाई। देखना भाई यह लाइट्स कैमरे अच्छी हो जाती है, लाइट कैप्चरिंग अच्छी है। अबे आगे रोशनी आ रही है, वहां से करो देखो, लाइट कैप्चरिंग इज बेटर इन आईफोन। रुको मत सुनिए यार, देखा सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 6 सैमसंग वाले। अबे जो उंगल पेच कर दे उसके कट्टा रखे भेजे पे, वो बोले मुझे माफ करो और खत्म करो कुछ ले दे के, पर हम भी भौकाली अपना भी और ऐसा घातक सा के कट्टा सीधा भेजे से अंदर जाता कलेजे के। हम भौकाली सारे अपना भौकाल कायम रखते, छह की छह गोली अंदर दे के को राम कायम, अब से सीधा मुंह पे पड़ती लाते घुसे किल्ली बम पटाके, घर से धर ले बिन बता के हमसे अब तुम ना भिड़ना वे। अपनी चाल जैसे भूखे बब्बर शेर की दहाड़, खबरदार हमसे पिलने से सोचो तुम कई बार। अबे यार क्या गूंजी नहीं तुझे मौत की पुकार, समझदार हो तो भगलो यहाँ से सीधा तड़ी पार। तेरी मौत आई बेटे बोलो हमको अपना काल, 90 साल से फैला है ठनबाजी का ये कमाल, तेरी नेता नगरी कारस्तानी सब देंगे उछाल। हम भौकाली कानपुर में फैला है भौकाल, तेरी मौत आई बेटे भाई, भाई ये था जैसे वहाँ पे। अबे जब हमने वहाँ पहली बार माइक पकड़ा हम खुद ही नर्वस थे भाई, कैसे फिर धीरे धीरे कम्फर्टेबल होता है इंसान। एक बंदा बोला कि अरे राठौर भाई भी आए, हमने आए इनको बात करवाओ बात करो, इनको दे दिया माइक, राठौर भाई वहाँ शांत पे क्या करूँ अब मैं। और फिर उसके बाद वहाँ क्या चल रहा था, गाना गाएंगे सैया, तो हमने बोला राठौर भाई गाएंगे, अरे वहाँ की राठौर गाली दे रहा होगा मन में की भोसड़ी के। अरे भाई अरे भाई तगड़ा गाए। लेकिन इस बार जो हम लोग ने किया है ना मीटअप पे, वो सैया भैया ये सब कॉन्टेंट, वो लड़का जो वो मारा था शायरियां वो वाली किसी जो समझ में कम आ रही थी, जो हिंदी में मोहिनी वाली, वो भी शायरियां अच्छी मार रहा था, पहले शायरी मार रहा फिर समझा रहा, पहले फिर सुना रहा फिर समझा भी रहा। बहुत नर्वस था माइक लेके भाई, वो लग ही रहा था संभल कर रहा था ना। और वहाँ पे जब लोग आ रहे थे मिलने, जब लोग आ रहे थे तो हाथ मिला रहे थे, पता चल रहा था ये कपरा आदमी जब हाथ मिला कप कप आप कप रहे तो कंफर्टेबल कराना पड़ रहा था भाई। फिर तुमने बोला था कि बढ़ाओ नहीं उसको अप्रिशिएट करो, ये हम लोग क्रिएटर होके हम लोग नर्वस हो जाते हैं, काम किसी को ऐसे मिले तो भाई है ना, तो पीसी में तुम अपनी बाउंड्रीज में रहते हो, यहाँ पता ही नहीं सामने से कौन क्या बोल दे, वहाँ लिखता है आदमी तो हम लोग देते थे टाइम और बैक साले यहाँ कोई यहाँ मुंह पे बोलना। भाई जब भी ब्लॉग खोलता हूँ ना सबसे पहले उस सामने ये ठीक करती है कि सीधे है कि नहीं। भाई मीटअप हो गया डन, अब हम लोग जा रहे हैं पसर के सोएंगे भाई, बहुत थक गए। सुबह कितने, सुबह 7-9 बजे के चले हैं और अभी कितना टाइम हो गया, 7:45 हो गए भाई, कितना ऑलमोस्ट 10-12 घंटे चल ही रहे हैं वो। चलो सुना तो कल सो ली थी, बढ़िया बात ये है। तो मैं आई थी ट्रैवल करके एक दिन पहले एडवांस में सोने के लिए, लेकिन वो बीच में रेस्ट मिला ना आपको। और भाई तुम्हारा भाई अच्छा खासा गया, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान।